हेलो एंड वेलकम टू संसार ग्रीन, और मैं हूं पंकज। आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज के वीडियो एक शानदार फूल के बारे में है जिनका नाम मेरा बिलिस है। उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरा बिलिस एक फूल है जो आमतौर पर सुबह और शाम को खिलते हैं। दोपहर में आप इन्हें कभी भी खिला हुआ नहीं पाएंगे। इन फूलों को खिलते हुए देखना चाहेंगे? चलिए हम दिखाते हैं। मिराबिलिस के फूल कई रंगों के होते हैं, लाल, पीला, गुलाबी, सफेद, बैंगनी और मिक्स्ड कलर के। चलिए आपको इन बेहतरीन रंग के फूलों की झलक दिखाते हैं। ये हमने मिराबिलिस का बीज लिया है, अब इसे आपको लगाकर दिखाता हूँ। ये हमने सीडलिंग ट्रे तैयार किया है जिसमें हमने कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। कोकोपीट में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है और इसमें बीज के रूट जल्दी डेवलप होते हैं, जिसके कारण इससे नया पौधा तैयार हो जाता है। तो चलिए अब बीज को हम इसमें लगा लेते हैं। अब हम इसमें पानी का स्प्रे कर देंगे। आप किसी स्प्रे के मदद से इस पर पानी डाल सकते हैं और इसे किसी शेड वाले जगह में रख दे जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। आप देखेंगे कुछ ही दिन में इसमें इसके बीज से बीज निकलने लगेंगे। ये मिराबिलिस का पौधा जिसे हमने बीज से उगाया है, जैसे ये देख रही है, कोटिलेडन है जिसे बीज पत्र कहते हैं। जब हम कोई भी पौधे को बीज से उगाते हैं उसके बाद दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, उसमें ट्यूलिप्स का होना, दो कम से कम दो ट्यूलिप्स होना चाहिए। जैसे ये मेरे मिराबिलिस का पौधा है जिसमें ढेर सारे ट्यूलिप्स आ गए हैं, मैं इस पौधे को दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करूँगा। ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें, सीडलिंग ट्रे को आप ध्यान से उठा दें और नीचे से पुश करें। आप देखेंगे आसानी से ये पौधा निकल आएगा। ये पौधा आसानी से निकल आया है। अब हम इसी पौधे को दूसरे गमले में लगा लेंगे। आप देख सकते हैं इसके रूट कितने अच्छे डेवलप हुए हैं। आप इसके रूट क्लियरली देख सकते हैं। ये मैंने गमला पहले से तैयार रखा है, इसमें सामान्य मिट्टी और कंपोस्ट मिला के रखा है। अब मैं इस मिराबिलिस के पौधे को इसमें लगा लूंगा। तो लगाने के लिए आप सबसे पहले एक बीच में होल बना लें। अब इसके चारों तरफ की मिट्टी को अच्छे से दबा लें। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ। इसमें थोड़ा सा ही पानी काफी है और ये मेरा वेल ड्रेन्ड गमला है। इसको 4 से 5 घंटे छांव वाली जगह में रखेंगे, उसके बाद आप उसे धूप वाली जगह में रख सकते हैं। धूप वाली जगह में रखने से इसमें ढेर सारे फूल आते हैं और पौधे भी अच्छा डेवलप करता है। मिक्स कलर के इसके फूल बड़े आकार के होते हैं और इनमें काले बीज प्रोड्यूस करता है जिसे इकट्ठा करना काफी आसान है और अगली बार के लिए आप उसे सुखाकर भी रख सकते हैं। इनके पौधे लगभग 1 मीटर लंबा होता है, इसलिए आप इन्हें 8 से 10 इंच के गमले में आसानी से लगा सकते हैं।
इस पौधे की ग्रोथ बड़ी जल्दी होती है, पत्ते भी बड़े आकार के हो जाते हैं और फूल भी इनमें बहुत जल्दी ही खिलना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं हमारा पौधा आज भी उसी गमले में है और इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। चलिए हम आपको इनके फूल थोड़ा और करीब से दिखाते हैं। ये बड़े आकार का काफी खूबसूरत सा फूल है। ये मैं आपको दिखा दूं, ये इसके बीच में से निकले हुए पराग भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। फूल तो बड़े आकार का है ही। ये फूल कुछ घंटे तक रहते हैं लेकिन बहुत सारे खिलते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कलियां भी हैं जो एक के बाद एक खिलती जाएंगी। इन फूलों को अगर आप नहीं तोड़ते हैं तो ये फूल पौधे में ही सूखते हैं और सूखने के बाद उनसे बीज निकलते हैं, बीज तैयार होते हैं। ये देखिए, ये फूल सूख गया हुआ है, ये गिर गया फूल खुद से ही। और इन फूलों के गिरने के बाद मैं आपको ढूंढ कर अभी दिखा देती हूँ, इसमें सीड बनते हैं। ये रहा, ये देखें आप, ये अभी हरा है ये सीड, इसमें से अभी तुरंत ही फ्लावर गिरा है। तो ये सीड अभी हरा है, कच्चा है, मैच्योर नहीं है। इसे आप तोड़ेंगे तो इससे बीज से पौधे नहीं उगेंगे। इसे आप पौधे में ही रहने दें, कुछ दिनों में यह काला हो जाएगा। जोड़े में फूल कितने अच्छे लग रहे हैं ना। चलिए हम एक मैच्योर सीड ढूंढते हैं जो ब्लैक हो गया हो। हाँ, इन फूलों के पास ही मैंने अभी एक मैच्योर सीड देखा था। यस, जस्ट बिहाइंड दिस, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैच्योर सीड है, ये ब्लैक हो गया है, कलर इसका डार्क हो गया है। इसे अगर आप चाहें तो तोड़ के छाया में सुखा सकते हैं दो एक दिन तक, और इससे पौधे बड़ी आसानी से उग जाते हैं। और आपको ज़रूर ही सीड प्रिजर्व कर लेने चाहिए। बारी बारी, हर बार, हर साल सीड खरीदने से अच्छा है कि आप अपने प्लांट से खुद ही सीड रेडी करें और उसे दूसरों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। मिराबिलिस या संझा फूल का बॉटेनिकल नाम मिराबिलिस जलापा है। एक ही पौधे में दो रंग के फूल कैसे लग रहे हैं आपको? सचमुच बहुत शानदार हैं और ये इन फूलों के साथ कॉमन है। आप जब भी बीज खरीदते हैं या पौधे लाते हैं तो दो या दो से ज़्यादा रंगों वाले फूल लाइए, फिर इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा और कई सारे नए रंग के फूल आपको इनमें मिलने लगेंगे। अगर आप गमलों के बजाय इन्हें सीधे तौर पर ज़मीन में लगाएं और ज़मीन में मिट्टी में कुछ कंपोस्ट और कुछ जैविक खाद मिला दें तो फिर इनकी ग्रोथ बहुत शानदार होगी, जो देखते बनेगी। आप इनकी फ्लावरिंग हेज भी बना सकते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं, ये तकरीबन 1 से 1.5 मीटर ऊंची है और फूल बेहिसाब खिले हुए हैं। मिराबिलिस या 4 o'clock में फूल इंडिया में तकरीबन सालों भर खिलते हैं। सिर्फ अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने हैं जब इनमें फ्लावरिंग बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। फूल हर साल खिलते हैं, सालों भर लगभग खिलते हैं। और हाँ, अगर आप इसे सीधे ज़मीन पे लगाते हैं तो आपको हर साल इसका पौधा नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे सीड प्रोड्यूस होते हैं। कुछ आप कलेक्ट कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर बीज नीचे मिट्टी में गिर जाते हैं जो अगले साल फिर फेवरेबल कंडीशन में उगाते हैं। एक ही पौधा आपको कई सालों तक नहीं मिलेगा, पर हर साल इसके ढेरों पौधे उगते आते हैं और बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग हेज खुद ही बनाते जाते हैं। इनकी कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं जिनके बारे में हम यहाँ डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं। इनके पौधे थोड़े नाजुक होते हैं क्योंकि ये साग कुल का या हर्बेसियस प्लांट है, लेकिन इनके फूल बहुत खूबसूरत होते हैं और आप इनको ज़रूर लगाइए। बहुत सारी वैरायटी आपको मिलेगी और ख़ास करके आपकी शाम बड़ी सुहानी रहेगी। इनके आसपास आप चेयर डालकर बैठना जरूर पसंद करेंगे। तो कैसी लगी आपको मिराबिलिस के बारे में बताई गई हर एक जानकारी? आपको अच्छी जरूर लगी होगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तभी तो पता चलेगा जानकारी हमारी बताई गई शानदार थी। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।